हाँ जी व्यूअर्स, इस टाइम हम पहुंच चुके हैं ब्रांड विलेज। आपको ब्रांड विलेज भी दिखाते हैं बाहर से। ये देखें, लाइटें देख सकते हैं आप, ये पूरा माशाल्लाह ब्रांड विलेज जो है सजा हुआ है और कवर्ड है जी लाइटों के साथ। नहीं जी, इस टाइम मैं लम इकबाल गेट पे आ गया हूँ। इस साइड से भी आप जा सकते हैं कैंट एरिया, बड़ा प्यारा ये गेट बना है जी लम इकबाल गेट। ये देख रहे हैं इस तरह बच्चों ने जनाब बनाई हुई हैं ये पहाड़ियाँ। ये देखें, ये जी हेलीकॉप्टर, और ये इस तरह से जनाब ये पता है बूरे के साथ, लकड़ी के बूरे के साथ बनाते हैं। और ये भी बड़ा अच्छा इन्होंने बनाया है, जो कि आपको पता है वाकया था अबाबील का, सूरतुल फील में भी जिक्र हुआ है। उस हवाले से ये देख रहे हैं, ये जो हाथी आए थे और अबाबीलों ने उनको तबाह बर्बाद कर दिया था। अब रहा कि ये देख रहे हैं आप, रैप्स हैं और बर्गर हैं, फ्राइज हैं, ये लेकर चलते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। मैं उमेर भट्ट एक नए ब्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ कैंट एरिया में। जैसा कि कल आपने ब्लॉग देखा है कि जो रौनकें सिटी में थी वो कल के दिन आपको दिखाई थी, और आज आपको सियालकोट कैंट की रौनकें दिखाने लगे हैं। तो ब्लॉग आपने पूरा देखना है, तो आइए अब चलते हैं जी। व्यूअर्स, इस टाइम हम पहुंच चुके हैं ब्रांड विलेज। आपको ब्रांड विलेज भी दिखाते हैं बाहर से। ये देखें, लाइटें देख सकते हैं आप, ये पूरा माशाल्लाह ब्रांड विलेज जो है सजा हुआ है और कवर्ड है जी लाइटों के साथ। और जितनी भी इमारतें आपको नज़र आ रही हैं यहाँ पे, राइट साइड पे बाइसन कैफ़े है, इस पर भी देखें बिल्कुल लाइट्स के साथ कवर है ये भी। तो अभी हम जा रहे हैं कैंट एरिया की तरफ और आपको दिखाते हैं कैंट की जो रौनकें हैं। नहीं जी, इस टाइम मैं लम इकबाल गेट पे आ गया हूँ। इस साइड से भी आप जा सकते हैं कैंट एरिया, बड़ा प्यारा ये गेट बना है जी लम इकबाल गेट। तो अब हम जाते हैं आगे से चौक घंटाघर की तरफ जी। और जिस टाइम हम कैंट एरिया के अंदर आ चुके हैं, अभी चौक घंटाघर भी आपको लेकर जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे भी आपको दिखाते हैं जी पहाड़ियाँ बनते हुए। ये देख रहे हैं इस तरह से बचपन में जनाब हम कभी आप भी देखते होंगे पहाड़ियाँ। ये देख रहे हैं इस तरह बच्चों ने जनाब बनाई हुई हैं ये पहाड़ियाँ। ये देखें, ये जी हेलीकॉप्टर, और ये इस तरह से जनाब ये पता है बूरे के साथ, लकड़ी के बूरे के साथ बनाते हैं। बच्चे भी आए हुए हैं देखने यहाँ पे। ये देखें जी, अब आगे चलते हैं। ये देख रहे हैं यहाँ पे भी रौनक, आप कैंट के बिल्कुल साथ वाली जो रोड है ना वहाँ पर ये आप पहाड़ियाँ देख सकते हैं, क्योंकि मेन रोड पे इजाज़त नहीं, वहाँ पे सिर्फ चिरागा किया गया है। और ये इस तरह बच्चों ने अपनी मदद आपके तहत ये देख रहे हैं ये पहाड़ियाँ बनाई हुई हैं जी। ये देख रहे हैं जी कैंट की रोड के आज आपको दिखा रहे हैं, इस तरह आपको आगे लेकर चलते हैं। रश बहुत ज़्यादा है आज भी, कहीं जनाब ये खाने वगैरह बांटे जा रहे हैं, ये आप देख रहे हैं सामने रश जहाँ नज़र आ रहा है आपको। ये देखें, यानी आप कह लें जी हर जगह ही रौनक लगी हुई है जी यहाँ पर। और ये देखें यहाँ भी चिरागा किया गया है, ये आपको यहाँ भी दिखाते हैं जी। ये देखें ये पूरा बाज़ार जो है ये भी सजाया गया है। ये देखते हैं, ये आज आपको कैंट एरिया की मैं सैर करवा रहा हूँ, कल आपको सिटी की करवाई थी, आज कैंट एरिया की। तो साजिद को भी चिरागा किया गया है, और यहाँ पे देख रहे हैं रौनकें आप, यहाँ पर ज़्यादा रश है जी। ये देखें यहाँ पर मॉडल वगैरह बनाए गए हैं, देख रहे हैं सामने। ये आप देख सकते हैं बच्चे पिक्चर्स वगैरह ले रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मॉडल तैयार किया गया है गुंबद हजरा का और काबे का। अब आपको आगे लेकर जाते हैं जी। जी व्यूअर्स, आपको मॉडल भी दिखाए हैं, और तकरीबन हर गली में जनाब ये पहाड़ियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे। और ये देखिए, ये भी सामने आपको दिखाते हैं, यहाँ भी मॉडल बनाया गया है और नाते लगाई गई हैं। ये देखते हैं, आपको दिखाता हूँ जी आगे जाके जी। और आप आगे आगे हम चौक घंटाघर की तरफ, और आपको यहाँ पे लम इकबाल स्कूल भी दिखाते हैं जी, उस पर भी चिरागा किया गया है। ये मस्जिद है, उसके साथ साथ जनाब आपको लम इकबाल स्कूल, जो कि बड़ा ही पुराना स्कूल है जी, ये काफ़ी लोग यहाँ से पढ़ के गए होंगे। ये देख रहे हैं ये लम इकबाल स्कूल कैंट एरिया का, ये भी ब्रांच है और ये भी ब्रांच है। ये देख रहे हैं ये
यानी हर बिल्डिंग घर सब यानी कैलिबर की लाइटों से सजाया गया है, ये देख रहे हैं। तो आगे और चलते हैं जी, आपको घंटा करके भी रौनक दिखाते हैं, फिर इंशाल्लाह व्लॉग का एंड करते हैं जी। बहुत ज़्यादा रौनक है जी कैंट एरिया में आज, कल सिटी में थी आज कैंट एरिया में है जी। मैंने कहा चलें ये भी कवर करते हैं, जो मेरे आउट ऑफ कंट्री में व्यूवर्स हैं उनके लिए जी जनाब मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ। लें जी यहाँ पे चौंक घंटा करके बिल्कुल सामने ये तमाम नाम आप देख सकते हैं, और साथ साथ ये सामने जाली जी ये देख रहे हैं, इस तरह से मॉडल तैयार किए गए हैं जी पूरे कैंट के अंदर। ये जी सामने, और ये जी बड़ा अच्छा इन्होंने बनाया है, जो कि आपको पता है वाकया था अबाबील का, सूरतुल फील में भी जिक्र हुआ है, उस हवाले से ये देख रहे हैं। ये जो हाथी आए थे और अबाबीलों ने उनको तबाह बर्बाद कर दिया था, अबरा के ये देख रहे हैं आप, अबरा ने अपनी इबादत गाह बनाई ताकि लोगों का हजूम काबा ना जाए और तजारत का मरकज़ यमन बन जाए, उस हवाले से इन्होंने जनाब सारा वाकया लिखा हुआ है। तो देख रहे हैं सामने काबे के गिर्द लोगों का हजूम और बाजार में तजारत होते हुए, ये सामने काबा बनाया हुआ है, और इसके साथ साथ ये पहाड़ी इलाका आप देख सकते हैं, साथ पहाड़ हैं, और इनके बाद काफ़ी की हिफाजत करने के लिए मुँह से पत्थर फेंकते हुए। तो ये यानी ये पूरा वाकया मॉडल की सूरत में दिखाया गया है बच्चों को, ये अच्छी चीज़ लगी है मुझे एक की, ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन भी मिल सके, बच्चों को भी जनाब इसका फ़ायदा हो। तो ये इस पर आपको पता है सूरत फील भी है पुराने पार्क में, इस पर पूरा वाकया बताया गया जी, ये बड़ा खूबसूरत माशाल्लाह मॉडल तैयार किया गया है। मैंने कहा ये लाजमी आपको दिखाते हैं, ये देखिए ऊपर से अबाबील जो कि पत्थर फेंकते हुए बताया गया है, और नीचे लश्कर जो था अबरहा था। ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो कि आपको पता नॉलेज भी हो बच्चों को। तो ये बड़ा अच्छा लगा जी ये देख के हमें, तो अब आपको आगे दिखाते हैं। ये चौंक घंटाघर, तो अभी चलते हैं जी उस साइड से। व्यूअर्स अब हम आ गए हैं चौंक घंटाघर, यहाँ पे भी आपको रौनक दिखाते हैं, ये देख रहे हैं सामने, ये देखिए काफ़ी मचना रौनक लगी हुई है जी यहाँ पे, ये देखें जी, और देख सकते हैं आप माशाल्लाह हर तरफ रश ही रश है जी, और रौनक ही रौनक हैं, ये देख रहे हैं। ये सबसे यानी कह लें बड़ा पॉइंट है जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, नौजवान इकट्ठे होते हैं, कोई भी इवेंट हो या कोई सेलिब्रेशन हो। सियालकोट चौंक घंटाघर मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो अब उस साइड पे चलते हैं, उस साइड पे भी काफ़ी ज़्यादा यानी कह लें कि पहाड़ियाँ वगैरह लगी होती हैं, वो भी दिखाते हैं आपको। लेकिन मुझे ये मॉडल बड़ा पसंद आया जी देख के, यानी उसमें कुछ सीखने को था बच्चों के लिए, ये देखिए सारी तरफ रौनक ही रौनक है जी। अब इस साइड पर जाके देखते हैं, इधर भी मोहल्ला है एक लेवर। जैसे हम आगे आए हैं तो ऊँट भी आप देख सकते हैं, ये यानी कह लें मिडल ईस्ट की याद ताज़ा करने के लिए, और अरब की ये देखें सकाफत है जी, ऊँट भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। और आगे चलते हैं जी, आगे भी बड़ी रौनक लगी हुई है, हर तरफ ही रौनक ही रौनक है। व्यूअर्स आप रश देख सकते हैं जी, बहुत ज़्यादा रश है आज इस साइड पे। तो मैं बस आपको जो मेन पॉइंट है वो दिखा रहा हूँ, बाकी हर गली सजी हुई है जी कैंट की, घर सजे हुए हैं, ये देख रहे हैं ये घर हैं जी साइड पे, और ये देखें हर तरफ रौनक ही रौनक है जी। यहाँ पे नाते पड़ी जा रही हैं सामने, और ये आगे आगे जाके हम आपको बाज़ार भी दिखा रहे हैं, ये सारे बाज़ार सजे हुए हैं इस साइड पे जी। और ये जना एफिशिएंसी स्कूल जी, ये भी बड़ा पुराना और तरीही स्कूल है, यहाँ पर भी पहाड़ी लगी हुई है, ये देख रहे हैं ये जितना एफिशिएंसी स्कूल। और ये आप पहाड़ियाँ देख सकते हैं, लोग अपनी मदद आपके तहत जिन्होंने बनाई है। तो आज इस समय लें आपको कैंट की सैर करवा दी है जी, मैंने कहा चलें ये भी आपको दिखाते हैं जो कैंट की रौनकें हैं। तो अब आगे चलते हैं जी और व्लॉग का एंड करते हैं, व्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है, तो मैंने कहा चलें मेन चीज़ें आपको दिखा देती हैं, जो मेन यहाँ पर कह लेंगे चौंक थे और जो मेन रोड्स थी वो सजी हुई हैं वो आपको दिखा दी है मैंने। तो अब वापस हम चलते हैं जी। जी और आपको मैंने सारी रौनक दिखाई है कैंट एरिया की, तो अब मैंने कहा भूख लगी है तो चले डॉक्टर सासी से जाके कुछ खाते पीते हैं। तो यहाँ ऑर्डर कर चुका हूँ मैं, कुछ ही देर में ऑर्डर हमारा आ जाएगा, फिर घर जाके इंशाल्लाह खाएंगे,
तो आपने साथ रहना है और ब्लॉग पूरा देखना है। ये ऑर्डर हम कर चुके हैं, तो ये अब जैसे ही वीज़ा इसका जनाब चलेगा तो समझ हमारा ऑर्डर रेडी हो जाएगा, फिर चलेंगे अंदर और अपना ऑर्डर कलेक्ट करेंगे। और ये काफ़ी मशहूर है जी सियालकोट का डॉक्टर सासी, बड़ा अच्छा है माशाल्लाह इनका फास्ट फूड है, बर्गर वगैरह बड़े अच्छे हैं इनके। ले बस हमारी आ गई है बारी और हम ये रिसीव करने लगे हैं बॉक्स, इसमें रैप्स हैं और बर्गर हैं साथ फ्राइज हैं, ये लेकर चलते हैं जी। ले जनाब बैठ के खाते हैं, अब फिर आपको रौनकें दिखाते हैं जी सिटी की, सियालकोट कैंट की। ले व्यूअर्स बर्गर हमने खा लिए हैं, बड़ा मज़ा आया है, तो अब आपको रौनकें दिखाते हैं जी। देख सकते हैं जी दोनों साइड पे रश ही रश है, ट्रैफिक जैम है जी यहाँ पे कैंट एरिया में, तो बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, पूरा कैंट कैलेस टाइम पैक है जी, और लोगों की आप जोशो हरोश देख सकते हैं, गाड़ियों में मोटरसाइकिलों पे लोग अपनी फैमिली के साथ देखने आए हुए हैं सारे जी। वर्स आज का व्लॉग में मैंने आपको कैंट एरिया की सैर करवाई है और आपने देखा है रौनके ही रौनके हर तरफ, और लोगों की जैसे लोग पूरा जो सियालकोट है जैसे लग रहा है जैसे कैंट एरिया में आ गया है। तो बाकी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सके। इस दुआ के साथ के खुश रहें, आबाद रहें, एक नई और अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।